ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसे कैसे मना कर दिया? मेरे बच्चे के साथ ऐसे नहीं हो सकता। बड़े बाबा, आप अब मुझे लेकर चले, मैं बात करती हूँ ना उमर से। कुछ भी नहीं हुआ होगा, सब ठीक होगा। वो मुझसे प्यार करता है, उससे शादी करनी है मुझसे। आप मुझे लेकर चलें प्लीज। मैंने कहा था ना आपसे कि अभी आप लोग इस शादी के झमेले में ना पड़े। मेरी बच्ची पढ़ना चाहती थी, लेकिन आप लोगों को मेरी बात समझ ही नहीं आई। मैं तो पागल हूं ना? आप लोगों ने देखे, तमाशा बना दिया मेरी बच्ची का। इतने मेहमानों से भरे घर में मेरी बच्ची जलील हो गई। जलील हो गई हूं मैं इन सबके सामने। से ले लोगे, मुझे तो मर जाना चाहिए। नहीं, मर जाना चाहिए मुझे। हाँ, क्या होगा मामा? नहीं वरीश, कैसी बातें कर रही हो तुम? अभी तुम्हारे बाबा जिंदा हैं। मैं जाऊंगा, मैं लेकर आऊंगा ना उन्हें। तमाशा तो बन गया। एक लड़की दिल में हजारों अरमान सजाए दुल्हन बनकर अपनी बारात का इंतजार कर रही है, उसकी राह देख रही है, और उसकी बारात ही नहीं आई। उन्होंने इनकार कर दिया। क्या होगा मामा? बहुत बदनामी होगी। आप लोग जाए ना, बात करें ना जाके। और आप थोड़ा हौसला करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा। अब कुछ नहीं ठीक होगा। मेरी बच्ची ने कितनी अजियत काटी। इतनी सी थी वो जब पाप का साया उसके सर से उठ गया। यतीमी का दुख झेला है इसने। उसके बाद सौतेले बाप का जुल्म सहा है इसने। अब देखे, दुल्हन बनकर खड़ी है और इसकी बारात ही नहीं आई। बहुत बेइज्जती हो गई मेरी बच्ची की। बीजान, अब कौन आएगा वरीशा को ब्याहने?
आपके चहेते बेटे रजा की बेटी, इसे कौन करेगा शादी? कौन करेगा बेचार? भूल गई मेरी बच्ची, जलील हो गई। बाबा मेरा ख्याल है हमें चल के बात करनी चाहिए। अब क्या हासिल मुख्तार भाई? उन्होंने जो कहना था कह दिया, इनकार करना था कर दिया। अब आप ऐसे ही मेहमानों से भरे घर को छोड़कर जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। कौन भी आएगा इसे? बस अब आप ये सोचें कि मेरी बच्ची को कौन ब्याहेगा। कौन इससे शादी करेगा? बस आप यही सोचें क्या बनेगा मेरी बच्ची का। आप परेशान ना हो, मैं उमर को साथ लेकर आऊंगा, ये वादा है मेरा। मेहमानों को संभाल लीजिएगा, मैं और वहां जाती हूँ। मामा सब ठीक हो जाएगा, मत फिक्र। पता नहीं वो आएगा कि भी नहीं। तुम जाओ, लड़की को मैं अंदर ले जाओ। आ जाओ अंदर आओ बेटा। नहीं मां, जाए आप, जाए अंदर जाए।